इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के अक्षरांक व अंकन के कुछ मुख्य तरीकों को नीचे प्रदर्शित किया गया है। एक, गोथिक। इस प्रकार के लिखे अक्षरों एवं अंकों के स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। सामान्य भाषा में कहें तो यह एक सरल रेखा से बने होते हैं। दो, रोमन। इस प्रकार में लिखे अक्षर व अंकों को पतली व मोटी लाइन में बनाया जाता है। तीन, इटैलिक। इसमें अक्षरों एवं अंकों को तिरछा लिखा जाता है। चार, टेक्स्ट। इस प्रकार के अक्षर एवं अंकों में पुराने अंग्रेजी के अक्षर, जर्मन टेक्स्ट आदि को सम्मिलित किया जाता है। स्ट्रोक लेटर एंड नंबर्स में BIS द्वारा निर्धारित अक्षर व अंकों की माप, लंबाई, चौड़ाई को कंस्ट्रक्शन लाइन फ्रेम में किस तरह बनाएं। अक्षरों व अंकों का फ्रेम इस तरह बनाया जाता है। वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक फ्रेम, यह बनाने के लिए हम ऊपर से नीचे की ओर, मतलब लंबाई में कम से कम 5 लाइनें बनाएंगे और जिनकी दूरी प्रत्येक की 5-5 mm रहेगी और चौड़ाई में हम बनाएंगे 5-5 के अंतर पर ही लाइनें बनाएंगे और जिनकी संख्या होगी 8। और इस तरीके से हमारा फ्रेम तैयार हो जाएगा। यदि अब अगर हमें अक्षर बनाना है कोई भी, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि ए बनाएंगे तो इस तरह हमारा ए होगा। प्रत्येक बॉक्स की, मतलब जो भी बॉक्स बनेगा उसके अंतर की लंबाई व चौड़ाई समान ही रहेगी। भुजाओं की लंबाई चौड़ाई समान रहेगी, मतलब बॉक्स वर्गाकार रहेगा। सभी की माप 5 mm होगी। इंक्लाइंड सिंगल स्ट्रोक फ्रेम बनाने के लिए पहले हम चौड़ाई में एक नीचे लाइन खींचेंगे और लंबाई में भी एक लाइन खींचेंगे और फिर चांदी की सहायता से हम 75 अंश का कोण बनाएंगे और उस स्केल की सहायता से एक रेखा खींच देंगे। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ हम मापे रखेंगे और नीचे की तरफ मापे रख कर फिर लाइनें खींच सकेंगे, तो हमें अपने आप ही सारी लाइनें तिरछे में प्राप्त हो जाएंगी, जिससे कि हमारा फ्रेम में जो भी अक्षर बनेगा तो वो अपने आप ही तिरछा बनेगा। अक्षर बनाने के लिए अब हम जैसे कि ए बनाएंगे हम, तो आप स्वयं ही देख सकेंगे कि हमारा ए अपने आप ही तिरछा बनेगा। डबल स्टॉक फ्रेम बनाने के लिए हम बिल्कुल सिंगल स्टॉक फ्रेम की तरह ही बनाएंगे। बस अंतर यह रहेगा कि हमारे कुछ अक्षरों व अंकों में की आकृति या मतलब की माप जितनी भी रहेगी उनकी अलग अलग रहेगी चौड़ाई में।
प्रक्रिया बिल्कुल सिमिलर जैसी सिंगल स्टॉक की रहती है उसी तरीके से रहेगी। जैसे कि अब हम डबल स्टॉक का एक लेटर बनाकर दिखाएंगे। हमारे ये जितनी भी रहेंगे पॉइंट्स, तो ये सभी माप के बराबर माप कर ही बनाएंगे हम। और जब भी हमारी ये पट्टी रहेगी, हम पूरा अंदर कलर्ट कर कर ही करेंगे, तभी हमारा पूरा लेटर माना जाएगा। जिस तरह हम छोटी कक्षा में 4 लाइनों के अंदर ABCD लिखते थे, उसी तरह हम फ्रेम पर भी 4 लाइनें बनाकर स्मॉल लेटर बनाएंगे। इससे हमें यह अंदाज हो जाएगा कि लाइन के दोनों लाइनों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, और लाइन के ऊपर की ओर कौन सा अक्षर आएगा, और नीचे की ओर कौन सा अक्षर आएगा। अगले वीडियो में देखें किस तरह बनाए फ्रेम के अंदर अक्षर व नंबर।